मुरादाबाद में योगी पुलिस का बड़ा एक्शन, युवती को अगवा करने वाले बदमाशों से हुई मुठभेड़। दो बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। महफूज नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश बूढ़ा भी मुठभेड़ के दौरान हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी हुआ है घायल। CSC में कराया गया है भर्ती। 4 दिन पूर्व थाना मुंडा पांडे इलाके से एक युवती को घर से अगवा करने के दौरान इन बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मारकर कर दिया था घायल। घायलों में युवती के भाई की हालत बनी हुई है नाजुक। माँ और पिता भी मेरठ मेडिकल कॉलेज में हैं भर्ती। आरोपी ने 5-6 लोगों के साथ मिलकर घर में घुसकर मारी थी गोली। थाना मुंडा पांडे इलाके में हुई है मुठभेड़। शासन के आदेश पर आरोपियों के घरों पर चल चुका है बाबा का बुलडोजर। सर मुंडा पांडे ये आज सुबह लगभग 3:15 बजे के आसपास थाना मुड़ा पांडे पुलिस रात्रि में गश्त में अब थी, तो ये हमारी हवाई पट्टी के पास में जो रास्ता जा रहा है उसी रास्ते पर जब ये गश्त के लिए जा रहे थे तो 2 व्यक्ति वहाँ सामने से दिखाई पड़े इनको। पुलिस को देख के वो भागने लगे। पुलिस उनका पीछा किया तो उसी रस खेड़ा की और वहाँ से भागने लगे। आगे उनकी जो मोटरसाइकिल गिर गई तो पुलिस ने रोकने का उनको प्रयास किया। इस पर उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसमें एक बदमाश जिसका नाम महफूज है उसके पैर में गोली लगी थी, उसको मौके से गिरफ्तार किया गया। उसका एक अन्य साथी वहाँ से जो भागने की फिराक में था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया मौके पर ही। महफूज है, इसके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ और एक तमंचा जो भूरा नाम का व्यक्ति है उसके पास से बरामद हुआ था। इनको तत्काल गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में एक पुलिस का हेड कॉन्स्टेबल उसको भी हाथ में फायर इंजरी आई जो अभी उपचाराधीन है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है महफूज, इसने पूछताछ में बताया कि जो हाल में ही एक घटना यहाँ थाना मुड़ा पांडे में शिवपुरी में हुई थी जिसमें कि एक घर में घुस के कुछ बदमाशों ने एक लड़की को वहाँ से अगवा करने का प्रयास किया था, अपहरण करने का प्रयास किया था और इस प्रयास में उन्होंने घर पर फायरिंग की थी जिसमें उसका लड़की का भाई प्रद्युम्न और उसका पिता, उसकी माँ, ये सभी लोग इंजर्ड हुए थे जो अभी जिसमें प्रद्युम्न का भी इलाज चल रहा है। इन लोगों ने इस लड़की को वहाँ से ले जाने के लिए ये घटना की थी। पूछताछ में इसलिए भी बताया कि इसमें जो एक प्रमुख अभियुक्त था मुस्लिम और उसका पिता नन्हे, इसके अलावा 3-4 और लोग भी इस घटना में शामिल थे। उसी में ये लोग वहाँ पर गए थे और लड़की को इन्होंने अगवा करने के लिए ही इस घटना को किया था और वहाँ पर इनके द्वारा फायरिंग की गई थी। सर आरोपी ने क्या बताया? उसका ये कहना है कि ये जो इसमें मुस्लिम नाम का लड़का था उसने इनको बताया था कि इस लड़की को वहाँ से अगवा करके ले जाना है और इनकी आगे भी खुशी हो जाती है। ये महफूज है, इसके पैर में गोली लगी है और अभी जिला अस्पताल में इसका उपचार चल रहा है।